वेलकम टू राम सर इंग्लिश अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं नरेश आपके सामने एक करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट है, मैथन डैम तथा तैलिया डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं कहाँ पर स्थित है, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, बराकर नदी पर स्थित है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, शैलेंद्र वर्डवाल, यानी कि ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है, 16 दिसंबर को हुए फाइनल मुकाबले में पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, डी आपका राइट ऑप्शन है, बेल्जियम, यानी कि ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 16 दिसंबर को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, रानिल विक्रमासिंघे, यानी कि ये आपका राइट है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 16 दिसंबर को गवांजू में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर 2018 का खिताब किसने जीता है? कि डी आपका राइट ऑप्शन है, पीवी सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो किसने किया है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, आयरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वो ये है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश के लिए समर्पित किया? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे करके मुझे बताएं कि इसका आंसर ये है। दोस्तों मेरा आज थोड़ा गला खराब है, इसलिए मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।